क्या शार्क टैंक में नमिता जी द्वारा फंड की गई ये लंदन बेरी कंपनी बहुत कमाल के वॉफल्स बेचती है? लंदन में ब्रेकफास्ट के तौर पे इसको खाया जाता है। ये ओवरऑल मैं डिसेंट प्रोडक्ट बोल सकता हूँ, नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो आज मैं आया हूँ मुंबई के पवई एरिया में स्थित लंदन बबल को के इस आउटलेट में, जो बेसिकली फेमस है अपनी इंग्लिश वॉफल्स और पैनकेक मिक्सेस के लिए। हम आए तो थे गाइस हंग्री हेड्स के लिए, जो शार्क टैंक सीजन 1 में आए थे, वो बंद हो गया, लेकिन बगल में ही ये दिख गया मुझे। आक्षी को दिखाया, आक्षी को दिखाया, आक्षी के लिए जोरदार तालियां कमेंट सेक्शन में। आइसक्रीम्स है इनका बहुत फेमस, बाकी इन्फॉर्मेशन अंदर चल के देता हूँ। अब वॉफल जिनको नहीं पता तो बता दूं, ये यूरोप के नेदरलैंड्स और बेल्जियम से आई एक ऐसी डिश है जो आटा, मक्खन, अंडे और शुगर के मिक्स से तैयार होती है, और लंदन जैसे शहरों में तो ये नाश्ते के तौर पे बड़े चाव से खाई जाती है। एंड मोस्टली लोग इसे आइसक्रीम और चॉकलेट सिरप के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन देखो, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है कि इस ब्रांड में हमारी आई एम आउट क्वीन, नो एक्सपर्टीज वाली नमिता थापड़ जी ने इन्वेस्टमेंट करी थी, वो भी 75 लाख रुपए की फॉर 15% इक्विटी, क्योंकि नमिता जी को इनका टेस्ट काफी पसंद आया था। पैनकेक इज वेरी यम, फैंटास्टिक। अब देखो, चाहे बिजनेस की परख के मामले में हम नमिता जी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट के मामले में नहीं। उसका फैसला इंडिया का बेस्ट फूड क्रिटिक यानी मैं सुनाऊंगा। ये पता क्या बता रहे राहुल, कि इनके लॉकडाउन से 16 आउटलेट थे, अब 2 ही बचे हैं। मतलब ये शार्क टैंक का एपिसोड आने के बाद हुआ या फिर पहले? पहले, और उसके बाद बढ़ नहीं पाए, तो आज उनकी वीडियो बनाने से उन्होंने बेच दी। हम बढ़ाएंगे ना, अच्छा लगा। तो इनके स्टोर में चारों तरफ हमें शार्क टैंक की ब्रांडिंग तो दिखी रही थी, साथ साथ दिख रहे थे इनके रेंज ऑफ वॉफल्स, जो थे सिग्नेचर, बॉनविल, क्रंची, फ्रीज वॉफल्स या फिर प्रीमियम टाइप के वॉफल्स। और इनकी प्राइस रेंज कुछ 150 रुपए से शुरू थी और 250 रुपए तक जाती थी। वैसे इन्हें वॉफल का ऑर्डर देने से पहले मैंने इनसे शार्क टैंक में आने के बाद इनके रिस्पॉन्स के बारे में पूछा, जिसके ऊपर इनका ये जवाब आया। शार्क टैंक का प्रीमियर कोविड के बाद हुआ था ना, शार्क टैंक सीजन 2 ना, 2023 में। उसके बाद चेंज मार्केटिंग वगैरह और चालू था सबका, अलग अलग। मैं जैसे यहाँ पे मुंबई में ओनर हूँ, ऐसे लोग के बहुत सारे आउटलेट हैं। तो इसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस किया और फिर हमारे सामने बड़े बेहतरीन तरीके से एकदम फ्रेश वॉफल्स हमारे लिए रेडी हो गए, जो कि इवेंचुअली रेडी होने के बाद माउथ वाटरिंग तो लग रहे थे। मतलब डेजर्ट्स में वॉफल खाना मुझे तो पर्सनली काफी पसंद है, मेरे को नहीं लगता मेरे से अच्छा इसको कोई जज कर सकता है। पता है इस ब्रांड में क्या खास है? पहली बार नमिता ने इन्वेस्ट किया, जो ना इन्वेस्ट करने के लिए मशहूर है, बट इनमें उनको पोटेंशियल दिखा, तो सोचना फिर तो मतलब कुछ बात होगी। नमिता जी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। अबे, आज तक की सबसे बड़ी डील नमिता के पास है, रेयर प्लैनेट जो एयरपोर्ट्स पे है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नमिता रही है सरप्राइजिंगली। मतलब बंदी इन्वेस्ट बहुत रेयरली करती है। सेम शार्क टैंक यूएस में हुआ था, उसने हुडीज की कंपनी में करा था, वो बहुत रेयरली इन्वेस्ट करती है, लेकिन जब जिस उसके पास ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है शो की, सेम फॉर नमिता। मतलब शार्प शूटर है नमिता। तो भाई ये 160 रुपए की है, इतना मोशन 160 का। लंदन में ब्रेकफास्ट के तौर पे इसको खाया जाता है, आजकल इंडिया में बहुत मशहूर हो रही है। इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर कंपनीज है, दैट इज बेल्जियन वॉफल, वॉफल कंपनी, ये बहुत मशहूर है। देखो ऊपर नीचे इसके अंदर पता क्या राहुल क्या होती है? ब्रेड, कुरकुरी ब्रेड, और अंदर पता क्या होता है? वनीला आइसक्रीम, और ऊपर क्या होती है? चॉकलेट। वॉफल क्रंची है, अच्छा है, बट मैंने बेल्जियन वॉफल वगैरह के काफी वॉफल्स खाए हैं, जो मेरे को इससे ज्यादा टेस्ट लगते हैं। वॉफल की क्वालिटी ये थोड़ा सा अंदर से स्पॉन्जी होते हैं, ऊपर से क्रस्टी होते हैं। ये ओवरऑल मैं डिसेंट प्रोडक्ट बोल सकता हूँ, नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। 160 रुपए अगर हाँ आप खाते हो शार्क टैंक के नाम से जो की खाते हो, देन यू लाइक इट, वरना मार्केट में और अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। दिस इज माई टेक। तो यार ये था मेरा फीडबैक शार्क टैंक के लंदन बबल को के बारे में। बाकी आपने इसको ट्राई किया है तो अपनी राय इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम मिलेंगे कल, टूडल्स।